हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे यूएई एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कभी भी अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और अटेस्टेशन कभी भी जेरोक्स कॉपी, कलर जेरोक्स कॉपी पे नहीं होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं उनके फ्रेंड ने, उनके कलीग ने कलर कॉपी या जेरोक्स कॉपी पे अटेस्टेशन किया हुआ है। कभी भी जेरोक्स कॉपी या कलर कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं होता है। कभी भी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है। काफ़ी बार ये सर्टिफिकेट, काफ़ी लोग इसको सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं। तो अगर आपने इसको लैमिनेशन किया है तो कोई डरने की बात नहीं है, उसका लैमिनेशन हम लोग बैक साइड से रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। और लैमिनेशन आप कभी भी रिमूव करने नहीं जाने का, और फ्रंट बैक साइड का लैमिनेशन रिमूव नहीं करने का। अगर आप फ्रंट का लैमिनेशन रिमूव करेंगे तो सब ये वर्डिंग्स निकल के आएगा। तो अपने को अटेस्टेशन बैक साइड पे करना होता है, तो बैक साइड का लैमिनेशन रिमूव करने का और किसी भी एक्सपर्ट से करवाने का, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट फटने का चांसेस है। तो कभी भी इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर अब अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये अटेस्टेशन क्यों ज़रूरत होता है। अगर आपको वहाँ यूएई में जॉब मिला है, या आप जॉब सर्च करने जा रहे हैं, या आप आपका कंपनी चेंज कर रहे हैं या प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके लेके जाना पड़ता है। अगर आप जॉब सर्च करने जाने वाले हैं तो भी ये सर्टिफिकेट अटेस्टेशन करके आप लेके जाएंगे। तो आपको अगर आपने वहाँ कहीं इंटरव्यू दे दिया, अगर वहाँ आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी लोग अपॉइंट करके लेंगे आपका अगर सर्टिफिकेट अटैस्टेड होगा। तो इसलिए आप सर्टिफिकेट अटैस्टेशन करके ही लेके चले जाने का, अगर आपको जॉब सर्च करना हो। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एम्बेसी अटैस्टेशन किया है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। इसका बैक साइड पे ये सबसे पहले मैं जो अपने जितने भी वीडियोस है, वीडियोस में आपको हमेशा बताता हूँ कि कभी भी कोई भी कंट्री, जितने भी कंट्री है, उनका अटेस्टेशन करने का सबसे पहला प्रोसेस होता है नोटरी। देखो, ये नोटरी के तीन स्टैंप है, ये रेड, ये ब्लू एडवोकेट का, और ये टिकट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये स्टिकर लगाया जाता है और ये टिकट लगाया जाता है, फिर एडवोकेट इस तरह से स्टैंप मार के अपना साइन करता है। ये होने के बाद में फिर इसको होम डिपार्टमेंट सबमिट किया जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है, महाराष्ट्र का है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। तो इसको महाराष्ट्र का पहले होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। देखो, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो इस तरह होम डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे तो इस तरह का ऑफिसर का स्टैंप लगता है, और यहाँ ऑफिसर का साइन होता है। देखो, यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट। ये होने के बाद में फिर इस पर डेट लगता है, जो डेट पे ये अटेस्टेशन किया है तो उसका ये स्टैम्प लगता है और ये साइन होता है। अगर ये सर्टिफिकेट अगर महाराष्ट्र का बाहर का होगा तो सिर्फ यही स्टैम्प में चेंज आता है। इसके जगह पे दिल्ली से नोटरी होके एसडीएम, एसडीएम मतलब उसका फुल फॉर्म है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का स्टैम्प लगता है, फिर एमईए में सबमिट किया जाता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है, तो इस पर होम डिपार्टमेंट लगेगा। ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको दिल्ली में हम लोग एमईए में सबमिट करेंगे। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, यहाँ ये एमईए का स्टैंप है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। तो इस तरह का एम्बेसी में स्टैंप लगता है और ऑफिसर का यहाँ ऐसे साइन होता है। ये साइन होने के बाद में एमईए का प्रोसेस होता कंप्लीट हो जाता है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। ये होने के बाद में ही फिर इसको एम्बेसी में सबमिट, दिल्ली का एम्बेसी में सबमिट किया जाता है। देखो, ये फिर एम्बेसी में सबमिट करने के बाद में एम्बेसी विदाउट एमईए के यूए एम्बेसी का ये स्टैम्प नहीं लगता है। तो एमईए होने के बाद में एम्बेसी सबमिट करेंगे तो इस तरह का एम्बेसी का स्टैम्प लगेगा। देखो, यहाँ लिखा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। काफी लोग इसको इंडिया का मोफा भी बोलते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये मोफा लगता है। देखो, यहाँ लिखा है मोफा। तो ये होने के बाद में ही, ये होने के बाद में फिर इसका ऑफिसर का इस पर स्टैम्प और साइन लगता है। और देखो, ये इस पर फिर डेट वेट सब क्या रहे, उस तरह का रेट था, ये बार कोड इस तरह का सब प्रिंट होता है। ये होने के बाद में यहाँ का इंडिया का आपका प्रोसेस यूए एम्बेसी का कंप्लीट होता है।
अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हम लोग यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, कुवैत वीज़ा, इमिग्रेशन सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उसके बारे में हम लोग कोई भी वीडियोस डालेंगे या अपडेट डालेंगे तो वो आपको वीडियो और अपडेट वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू।